डेली मुमताज डिजिटल की स्पेशल वीडियोस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ गजाएं ये सोचकर फ्रिज में रख दी जाती हैं कि इस तरह ये तरोताजा रहेंगी, जबकि इनका जायका भी बरकरार रहेगा। ताहम लोगों की एक बड़ी अक्सरियत इस हकीकत से नावाकिफ है कि कई गजाओं को फ्रिज में रखना फायदे के बजाय नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि इस अमल से ये गजाएं अपनी अफादियत या जायका खो देती हैं। वो कौन सी गजाएं हैं जिन्हें कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आप शहद को अपने घर के फ्रिज में रखें तो ये एक बेजायका और दानेदार मवाद में तब्दील हो जाएगा। शहद के लिए बेहतर ये है कि इसे आम दर्जा हरारत में ही रखा जाए। प्याज को फ्रिज में रखने से ना सिर्फ ये नरम पड़ जाता है बल्कि इसकी वो आसपास मौजूद दीगर गजाओं में भी फैल जाती है। प्याज के लिए जरूरी ये है कि इसे कम रोशनी वाली जगह पर रखा जाए जहाँ हवा का गुजर हो। सेब को हमेशा नॉर्मल दर्जा हरारत में रखा जाए और खाने से सिर्फ 30 मिनट कबल फ्रिज में रखे। इस अमल से सेब खस्ता हो जाएगा। आलूओं को फ्रिज में रखने से इसका जायका खराब होने का खतरा है, जबकि इसमें मौजूद नशास्ता भी जाया हो सकता है। आलूओं को हमेशा पेपर बैग में रखकर ऐसे मुकाम पर रखिए जहां हवा और कम रोशनी का गुजर हो। टमाटरों को अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो ये अपना जायका खोने लगते हैं और साथ ही साथ ये नरम भी पड़ने लगते हैं। टमाटरों को अगर ताज़ा रखना चाहते हैं तो इन्हें हमेशा नॉर्मल दर्जा हरारत में ही रखिए। अक्सर लोग ये सोचकर डबल रोटी फ्रिज में महफूज कर देते हैं कि ये तरोताज़ा रहेगी, लेकिन हकीकत ये है कि डबल रोटी बाहर की निस्बत फ्रिज के अंदर ज़्यादा तेज़ी से सूखने लगती है। डबल रोटी को हमेशा ऐसे डब्बे में रखिए जहाँ से हवा का गुजर हो। मिर्चें चाहे लाल हों, हरी हों या फिर पीली, इन्हें हमेशा पेपर बैग में रखकर किचन में ही छोड़ दीजिए। इस तरह मिर्चें तरोताज़ा और अफादियत से भरपूर रहेंगी। लहसुन को भी पेपर बैग में रखकर ताज़ा हवा वाली जगह पर रख दीजिए। हफ्तों बाद भी इस्तेमाल करेंगे तो जायका पहले रोज़ वाला ही मिलेगा। खुश्क मेवा जात को भी फ्रिज में रखने से गुरेज कीजिए, क्योंकि ये ख़राब हो सकते हैं या फिर अपनी अफादियत खो सकते हैं। ताज़ा बेरीज की ज़िंदगी पहले ही बहुत मुख्तसर होती है, इसलिए ज़रूरी ये है कि इन्हें फ्रिज में रखने के बजाय ख़रीदारी के 1 से 2 दिन बाद ही इस्तेमाल कर लिया जाए।